एक संत के दो बेटे थे, जुड़वा बेटे। बहुत प्रेम था उसे उन बेटों से। संत मंदिर गया था रोज की भांति, और दो सांड लड़ते हुए रास्ते पर आए और दोनों बच्चे उसमें कुचल गए। संत घर लौटा, पत्नी ने उसे भोजन करवाया, बताया ही नहीं कि बच्चे मर गए। जैसे रोज भोजन कराती थी वैसे ही पंखा झला, भोजन लगाया, संत को भोजन कराया। संत ने बार बार पूछा कि बेटे नहीं दिखाई पड़ते, क्योंकि वे रोज उसके भोजन के समय उसके पास आ जाते, उसकी थाली में बैठ जाते। पत्नी ने कहा कि भोजन कर ले, फिर मैं बेटों के संबंध में कुछ बताऊं। मगर ना तो पत्नी की आंख से आंसू टपका, ना उसके चेहरे से कोई खबर मिली कि कुछ दुर्घटना हो गई है, और उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि फिर पति भोजन ना कर पाएगा। जब भोजन कर चुका तो पति ने पूछा, अब बोलो कहाँ है मेरे दोनों बेटे, दिखाई नहीं पड़ते, घर में उनका शोरगुल भी सुनाई नहीं पड़ता, कहीं खेलने गए हैं। पत्नी ने कहा, आप आए दूसरे कमरे में मौजूद हैं, मिला देती हूँ। उसने चादर ओढ़ा दी थी दोनों की लाशों को, चादर उड़ा दी। संत तो एकदम ठगा रह गया। उसने कहा, यह क्या, उसकी आंखों से तो आंसू झलकने लगे। उसने कहा, यह क्या। पत्नी ने कहा कि रुकिए, जिसने दिया था उसने वापस ले लिया, आप किस लिए परेशान हो रहे हैं। आपको मालूम है कुछ दिन पहले आपका मित्र तीर्थ यात्रा को गया था और अपने हीरे जवाहरात हमारे पास रख गया है। अभी मुझे खबर आई है कि वह आने वाला है। वह आएगा तो हीरे जवाहरात वापस ले जाएगा, तो हम रोएंगे क्या बैठकर। संत हंसने लगा। संत ने कहा कि मैं तो सोचता था तू साधारण गृहिणी है, लेकिन तू मुझसे आगे गई, तूने मुझसे आगे की बात देखी। सच ही तू कहती है उसकी अमानत थी, उसने वापस ले ली, हमारा क्या था। मैं भी तुमसे इतना ही कहता हूँ कि धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, कुछ भी हो, छोड़कर भागने को नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि सब छोड़कर भाग जाओगे तो भागोगे भी कहाँ। यही सब लोग वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ तुम भाग के पहुँचोगे। इसलिए मैं भागने के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि भाग कर अगर गए तो होगा क्या, सब हिमालय चले गए तो क्या करोगे, वहीं जाकर बसाना पड़ेगा एमजी रोड। आखिर सभी लोग वहाँ पहुँच गए तो दुकानें खोलनी पड़े, माणक बाबू को गुड़ की दुकान खोलने पड़े। आखिर इतने लोग रहने तो गुड़ तो चाहिए ही होगा, और गुड़ आएगा तो मक्खियाँ आएंगी, चींटियाँ आएंगी, और फिर सब आएगा, और जब गुड़ ही आ गया तो फिर और क्या बचेगा, सब उपद्रव हो जाएगा, गुड़ जल्दी ही गोबर हो जाएगा। तुम जरा कल्पना करो कि सारे लोग सन्यासी हो गए और भाग गए, भागोगे कहाँ, जहाँ जाओगे वहीं बस्ती बस जाएगी, यही बस्ती फिर पुनर्युक्त हो जाएगी। ओम शांति।